Hello everyone, how are you all? Hope you and your all family member are well. This is Karan Singh and I welcome you all in my this lecture series of English grammar. Dear viewers, as I have already informed you all that in this lecture series I will discuss those English grammar topics which will be needed and demanded by you all. Means if you want to learn any topic of English grammar and if you leave the name of the topic in the comment box of the video, then I will make video on that topic. Alright? So dear viewers, as I had already asked you all to suggest the name of the topic for starting this lecture series, most of the students have suggested these sentences. So dear viewers, in this video, I am going to start these sentences. Alright? Video ko shuru karte hain. Sentence se. Sentence. The सेंटेंस ओके इसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य ओके एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा को सीखने के लिए सेंटेंस का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों बिकॉज वी वॉट एवर वी स्पीक एंड वॉट एवर वी राइट एंड वॉट एवर वी लिसन दैट इज अ सेंटेंस क्यों क्योंकि जो भी हम लिखते हैं जो भी हम बोलते हैं और जो भी हम सुनते हैं वो क्या होता है वह एक सेंटेंस होता है एक वाक्य होता है ठीक है तो इसलिए इसकी नॉलेज अच्छे से होना बहुत ही जरूरी है तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या है सेंटेंस कैसे बनते हैं सेंटेंस कितने तरह के होते हैं ठीक है इनकी बेसिक नॉलेज को हम लोग देखेंगे सबसे पहले सेंटेंस आपकी डेफिनेशन देखते हैं सेंटेंस की क्या परिभाषा है तो कहा जाता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस called a sentence. सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा जा रहा है कि a group of words शब्दों का वह समूह which gives जो देता है a complete sense एक complete sense या meaning ठीक है जहां से एक हमें क्या मिले complete meaning मिले complete भाव मिले only that is called a sentence वो एक sentence कहलाता है तो कुछ शब्दों का समूह दो या दो से ज्यादा शब्दों का समूह जब मिलकर एक क्या दे एक मीनिंग दे एक अर्थ दे तो वो वाक्य कहलाता है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और वो इस तरह से डेफिनेशन को समझते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस ठीक है शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है ये सही डेफिनेशन नहीं है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस क्या सही डेफिनेशन है A group of word which gives a complete sense is called sentence. शब्दों का वह समूह जहां से हमें क्या मिले complete meaning मिले complete sense मिले वो क्या होगा वाक्य होगा ठीक है तो आइए इस examples के through समझते हैं कि क्या जो शब्दों के समूह है वो meaning देते हैं या वो sentence होते हैं ऐसे शब्दों के समूह जहां कुछ शब्दों के समूह क्या sentence कहलाते हैं या फिर वो शब्दों के समूह जो मीनिंग देते हैं वो सेंटेंस कहलाता है ठीक है तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस कहलाएगा कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं कहलाएगा जैसे पहले एग्जांपल को ध्यान से देखिए कहा जाए कि यू आर अ गुड बॉय ओके यू आर अ गुड बॉय सो यहां पे कितने शब्द हमने यूज किए 1 2 3 4 5 ओके तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कितने वर्ड्स हमारे हैं पांच वर्ड्स हैं पांच वर्ड से हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है इंग्लिश में यू आर अ गुड बॉय चलिए देखते हैं कि क्या ये जो शब्दों का समूह है क्या कोई मीनिंग दे रहा है कोई सेंस दे रहा है कोई यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है तो आप यू मीन्स आप हो एक अच्छे लड़के मीन्स आप एक अच्छे लड़के हो
तो कहीं ना कहीं ये जो पांच शब्दों का समूह है ये हमें क्या दे रहा है, एक मीनिंग दे रहा है, क्या दे रहा है, सेंस दे रहा है, एक यहाँ पे हमें अर्थ मिल रहा है। सो ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा। आइए कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा राम वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे कितने शब्द हुए, 1 2 3, तो ये भी क्या दे रहा है कि राम कठिन काम करता है, ये भी हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा। थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा कि यू आर अ गुड सॉरी रनर, सो आप हो एक अच्छे धावक। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में तीन शब्दों का समूह है और इस वाले सेंटेंस में एक बार फिर क्या है, पांच शब्दों का समूह है। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मीनिंग दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, का एक सेंस है, इसलिए क्या है, एक सेंटेंस है। जैसे यू आर अ गुड रनर मींस आप हो एक अच्छे धावक, मींस आप एक अच्छे धावक हो। लेकिन आइए दूसरी कंडीशंस को देखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंस, ऐसा क्या सही है। चलिए इसी, ये जो पांच वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं इनको हम आगे पीछे करके देखते हैं क्या मीनिंग मिलती है। ठीक है, सबने कहा कि ए यू बॉय गुड आर, तो यहां पर कितने वर्ड्स हमने यूज किया है, दो, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी पांच शब्दों का समूह है। क्या यहां पे कोई मीनिंग मिल रहा है, देखते हैं। एक तुम लड़का अच्छे हो, तो कहीं ना कहीं यहां से कोई मीनिंग नहीं मिल रही। तो इस तरह के जो ग्रुप होंगे वो आपके सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमें वर्ड्स तो पता है, कैसे कैसे इनको अरेंज किया जाए, तो इनको अरेंज करने के रूल्स होते हैं। ठीक है, वो आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम कहें कि हार्ड वर्क्स, हार्ड वर्क्स राम, तो यहां पर भी तीन वर्ड शब्दों का क्या है, समूह है, लेकिन यहां पर भी कोई मीनिंग नहीं मिल रहा, तो ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं होगा। अब यहीं पे हो कि ए यू आर रनर गुड, ओके, तो यहां पर भी जो पांच वर्ड्स हमारे यूज हुए हैं जो एक सेंटेंस बनाने की कोशिश यहां पे की गई है, ये भी पांचों शब्दों के जो समूह हैं, यहां पे भी कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं, a group of words which gives a complete sense, a complete meaning is called sentence. जैसे ये हमारे तीन examples हैं किसके, sentence के, क्योंकि यहाँ पे जो शब्दों का समूह है हमें एक meaning दे रहा है, एक sense दे रहा है, जहाँ से हमें कोई एक अर्थ मिल रहा है, that is why these three sentences, these you know groups of words are called sentences, but these three groups of words cannot be called sentences. ये sentence नहीं कहलाया जा सकते। ठीक है, आइए सेंटेंस के कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। ठीक है, कुछ इसमें फीचर्स, कुछ बातें ध्यान देनी है। नंबर वन क्या है कि इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ठीक है, तो जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, जैसे आप यू आर, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग वर्ड होगा, वो कैसा होना चाहिए, वो कैपिटल में होना चाहिए। सेकेंड क्या है, इट एंड्स विद, ये इसका जो एंड होगा इसके लास्ट में हम या तो हम फुल स्टॉप, कुछ साइन मिलेगी, या तो हम फुल स्टॉप यूज करेंगे, या फिर हम क्वेश्चन मार्क्स हमें मिल सकता है, या फिर वहां पर हमें क्या मिल सकता है, एक्सप्लेनेशन मार्क्स मिल सकता है। तो क्या है ये सेंटेंस के फीचर्स हैं कि सेंटेंस जो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, सेंटेंस को के लास्ट में हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और एक्सप्लेनेशन पा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे फीचर्स थे सेंटेंस के। आइए अब आगे देखते हैं सेंटेंस के पार्ट्स, ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं। सो देयर आर two parts of a sentence।
ठीक है, देयर आर टू पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. नंबर वन, पहला कौन सा है, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट. तो ये हमारे क्या है, सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस में हम दो डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, दो तरीके यूज कर सकते हैं. पहला, उस सेंटेंस में जो वर्क करता हो वो सेंटेंस होगा, नंबर वन. दूसरा, उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाएगी वो सेंटेंस होगा, ठीक है. तो दो तरह से सब्जेक्ट को वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे. नंबर वन, पहला क्या है, जो सेंटेंस में क्या करेगा, वर्क करेगा, वो सब्जेक्ट हमारा होगा, या फिर हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट सेंटेंस का कौन सा पार्ट होता है, मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में बात की गई हो, जो भी सब्जेक्ट के बारे में बात की गई हो वो हमारा प्रेडिकेट होता है. आइए इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. जैसे या पहले एग्जांपल सुनने, अपना पहला एग्जांपल लेते हैं. क्या था वहां पे, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है. सो यू आर अ गुड बॉय, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, या तो सब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके, जैसे या तो हम उसकी बात करेंगे, उसके बारे में बात होगी, जिसके बारे में बात होगी वो हमारा सब्जेक्ट, या फिर वो काम कर रहा होगा उस वाक्य में, अगर एक्शन कोई है, कोई वर्क है, तो जो करेगा वो हमारा सब्जेक्ट. तो इसमें कोई काम तो है नहीं, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं. अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है. और यू के बारे में क्या कहा जा रहा है, कि आर अ गुड बॉय, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, जैसा कि इस सेंटेंस में बात की जा रही है, या फिर जो सेंटेंस में काम करे. जैसे दूसरे एग्जांपल्स को देखें कि राम टीचेस वेल, ओके, राम टीचेस वेल. अब इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, राम. राम हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. टीचेस वेल, इसके बारे में बात की जा रही है, हमारा क्या होगा, प्रेडी केट होगा. उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको समझ में आ गए होंगे. तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. होप दिस इज क्लियर, दिस इज बीइंग क्लियर टू यू ऑल, ठीक है. आइए अब आगे बढ़ते हैं. ये तो हमारे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. क्या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने उनके काइंड्स होते हैं, ठीक है. तो हमारी अगली टॉपिक्स क्या होगी, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार. सो कितने होते हैं, देयर आर फाइव, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. वाक्य के कितने रूप होते हैं, पांच रूप होते हैं, ठीक है. मींस एक व्यक्ति जो भी लिखता है, जो भी बोलता है, या फिर जो भी वो सुनता है, वो किनके बीच से हो सकते हैं, इन्हीं पांचों के बीच से हो सकते हैं. तो आइए सबसे पहले इनको हम देख लें कि ये कौन कौन है, ठीक है, और ये किस लिए यूज होते हैं. सो नंबर वन, ठीक है, पहले को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है. हमारा सेकंड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, प्रश्न वाचक वाक्य, ठीक है. हमारा थर्ड है इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस को मीनिंग क्या कहते हैं, आज्ञा सलाह आदि सूचक वाक्य, ठीक है. और नंबर फोर पे कौन है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. इसे हम
इच्छा अभिलाषा सूचक वाक्य, ठीक है। और हमारा लास्ट जो है पांचवा वो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, पांच सेंटेंस हो गए, असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, हमारा थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, इसे आज्ञा सलाह आदि सूचक वाक्य कहते हैं, और हमारा चौथा है ऑपरेटिव सेंटेंस, इसे इच्छा अभिलाषा सूचक वाक्य कहते हैं, और हमारा नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो ये हमारे पांच क्या हो गए, सेंटेंस हो गए, और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम असर्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लामेटरी। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा सेंटेंस तो सब चार होते हैं, तो सेंटेंस के फोर काइंड्स भी होते हैं, जो जिनको हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं, कंपेरेटिव इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो कौन कौन से होते हैं यहीं पर देख लेते हैं ब्रीफ में, बट इनको हम यहाँ पे भी नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमारी बेसिक पॉइंट्स है वो थोड़ा सा एडवांस पॉइंट्स होते हैं। अभी बेसिक पॉइंट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक छोटे छोटे यूज पढ़ने वाले हैं, टेंस पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल जो बेसिक जो टॉपिक्स होती हैं ग्रामर्स की वो पढ़ने वाले होते हैं, तो पढ़ने वाले हैं, तो उनमें इन सारी चीज पॉइंट्स के उनमें जो है ये सारे जो पांच हमारे सेंटेंस है इनकी जरूरत पड़ती है। इनको पढ़ने के बाद हमें एडवांस सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है सिंपल, जिनको हम कहाँ पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, पहले क्या कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सेकंड हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके, और हमारा चौथा कौन सा है मिक्स सेंटेंस, या फिर इसे हम कहते हैं मिक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ओके। सो ये हमारे क्या हैं, चार काइंड्स हैं, फोर काइंड्स हैं किसके, सेंटेंस को, जिसको हम कहां पढ़ते हैं, इन सारे जो ये चार आपके ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ये जो चार आपके सेंटेंस हैं इनको हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम आपको या हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स ग्रामर की, वहां पर हम इन चार सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं कैसे फॉर्म किया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं उनको कैसे फॉर्म किया जाता है, और मिक्स सेंटेंस या मिक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है उनको कैसे फॉर्म किया जाता है, ये हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बट लेकिन अभी स्टार्टिंग में हमें ये चार सेंटेंस पढ़ने हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। सो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना एक एक करके इन सेंटेंस को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।